जिला डोडा के कास्तीगढ़ के गांव बगोरी पंचायत हल्का मुंदर लोअर ए ब्लॉक के मकामी लोगों द्वारा सड़क को लेकर प्रदर्शन किया गया। लोगों ने कहा कि अलसी से किलमिल वाया शंखपाल सड़क को नाबार्ड द्वारा पहले ही सैंक्शन किया जा चुका है। अब लोगों ने मांग रखी है कि इसे गांव बगोरी से भी जोड़कर अलसी और किलमिल से जोड़ दिया जाए, परंतु वहां कब्रिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, यहां से मोड़ लगना चाहिए, अन्यथा हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। वहीं लोगों ने तहसीलदार कास्तीगढ़ से मसले में हस्तक्षेप कर इस पर उचित कार्रवाई की मांग की है। कास्तीगढ़ से स्ट्रेट टाइम्स के लिए रियाज भट्ट की रिपोर्ट। पहले मैं अपना नाम बताना चाहती हूँ, मेरा नाम बीना देवी है और मैं बगुड़ी से हूँ। हम ये चाहते हैं कि जो ये कब्रिस्तान है ये बचना चाहिए और हमें जो है पीछे मोड़ भी लगना चाहिए ताकि जो बगुड़ी का मोहल्ला है वो भी कवर हो जाए और उसके बाद आगे निकल जाए जहाँ उसको जाना है, किलमिल जहाँ वो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो डोडा में जाके डीसी के वहाँ ऑफिस के सामने धरना लगाते हैं। हम ये गुजारिश करते हैं डीसी साहब से कि हमें भी मोड़ मिलना चाहिए और जो ये कब्रिस्तान है ये भी बचना चाहिए। इससे काफी दूर है, ये कम से कम 5-10 मिनट लग जाते हैं, 40-50 घर होंगे। ये चाहते हैं कि जो हमारा घर है या जो हमारा गांव है वो कवर होना चाहिए, वहाँ पे हमें मोड़ मिलना चाहिए और हमें जो भी मोड़ लगना चाहिए आगे के लिए। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले कब्रिस्तान बचना चाहिए जिसको ये उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह पे यही है कि सबसे पहले कब्रिस्तान आता है उसके बाद जो ये रोड होती है। लेकिन ये लोग जो है ये हमेशा कब्रिस्तान को क्यों उजाड़ना चाहते हैं? कम से कम ये जो मसला है ये अब 6-7 महीने हो गए हैं तब से ये लोग इस कब्रिस्तान को उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोगों ने जो यहाँ पर शरपसंद लोग हैं वो यहाँ से चले जाते हैं डोडा में, और डोडा में जाकर वहाँ पर नहराबाजियाँ करते हैं और दूसरे लोगों को गुंडाबाजी का नारा दिलवाते हैं, और वो भी ये कहना चाहते हैं कि वो लोग जो है वो गुंडागर्दी करते हैं। लेकिन हम गुंडागर्दी करने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों की यहाँ पर ज़मीनें जा रही हैं और हमारे पास मतलब कब्रिस्तान है, कब्रिस्तानों को उजाड़ किया जाता है। उसके बाद इन्हीं लोगों ने जिन्होंने यह शरपसंदी का प्रोग्राम किया है, इन्हीं लोगों ने हमारे ऊपर 3-3, 4-4 FIR दर्ज करवाए हैं। वो कास्तीगढ़ चौकी वालों से पूछा जाएगा, साहब से पूछा जाएगा, और हमारी ही ज़मीनें यहाँ पर आ रही हैं और मालगुजार को ये उखाड़ने की कोशिश करते हैं। ऊपर से जाने के लिए इनको बहुत तंगी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऊपर से रास्ता पहले का लगा हुआ है, उस रास्ते को जाने के लिए ये तैयार नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल झूठ इल्जाम लगा रहे हैं लोगों को, ये लोगों को बहुत बहुत झूठ इल्जाम लगा रहे हैं जिनकी यहाँ पर ज़मीनें नहीं आ रही हैं और हम लोगों को बहुत तंग करते हैं। और उन लोगों के पास हम पहले भी गए थे, उनको हमने माफिया मांगी है, जो लोग आज हमारे खिलाफ वहाँ पर डीसी डोडा के पास जाकर नाराबाजी करते हैं, और उन लोगों को हमने माफिया मांगी है कि मुल्कदार को बचाओ और उसके बाद मकानों को भी आगे बचाओ। दो मुल्कदार आगे आ रहे हैं यहाँ पर, जब डीडीसी चेयरमैन पहले आए थे उन्होंने उस वक्त भी जहाँ पर जो लोग यहाँ पर जिम्मेदार थे उनको कोई पूछताछ नहीं किया, यहाँ से जब जो ही वो वापस जाते हैं और दूसरे दिन हमारे ऊपर FIR दर्ज हो जाता है। ये कैसा शरपसंद लोग यहाँ पर आते हैं जो फितना फसाद यहाँ पर फैलाकर वापस चले जाते हैं। इसके लिए हमने जो ये कब्रिस्तान का मुद्दा है, जो इन लोगों ने कब्रिस्तान को रोड लगाई और कब्रिस्तान को उजाड़ना चाहते हैं, तो हम गुजारिश करते हैं हर डिपार्टमेंट वालों के साथ भी कि यहाँ से मोड़ लगाकर ऊपर से बंदोबस्त रास्ता है वहाँ से रोड निकाला जाए और किलमिल पहुँच जाती है, उसी पॉइंट पे पहुँच जाती है जैसे वो चाहते हैं। तो उसके बाद मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पे आए, ऊपर से मोड़ लगाकर रोड को निकाल दें, हम रोड बंद करने के लिए यहाँ नहीं आए। मुतमिन है जहाँ तक सर्वे हुआ है, यहाँ से आगे पब्लिक ने सर्वा किया है, मेजरमेंट वो पब्लिक सर्वा हुआ था और ये चाहते थे वो कि हमारा रोड बचेगा कम होगा, तो उसको उन लोगों ने सर्वा बना दिया और जो भी आता है वो मशीन लगाने का काम है, बाकी RD वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं लगाई गई है, ना कोई मशीन लगाई गई है कि जिससे सर्वा होता है वो लगाई गई नहीं है, तो बाकी तो ये तो मशीन का सर्वा चल रहा है, आंखों का सर्वा चल, सर्वे दोबारा सर्वे होना चाहिए। भी जाएंगे DC के पास भी जाएंगे, तहसीलदार साहब के पास भी जाएंगे कि ये जमीन स्टेट लैंड कितनी है, मलकीत कितनी है, जाएंगे हम धरना लगाएंगे वहां पर जाकर, तो मोड़ हमको चाहे और कब्रिस्तान बचाना है।